तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.12 वर्जन अपडेट के बारे में। यार ये डिवाइस में अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, C.12 वर्जन का एंगेज ये अपडेट का कन्फर्म डेट क्या है, इसी के साथ में हम बात करेंगे कि ये अपडेट में ना आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेगा एंड ये अपडेट का आप लोगों को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अगर आप भी हैं Realme C3 डिवाइस के यूजर्स तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.12 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं ना कि ये अपडेट में आप लोग को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो देखो यार, ये जो C.12 का जो अपडेट होने वाला है ना, ये एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट ही होगा, जिस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होता है ना, उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो गाइस ये जो अपडेट देखने के लिए मिलता है ना, ये एक बेटर अपडेट होता है, जिस अपडेट को अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो गाइस अगर आपके डिवाइस का बग एंड इशू फिक्स होगा तो यार आपके डिवाइस का ऑटोमेटिक है कि जो परफॉर्मेंस होना वो और भी बेटर हो जाएगा। तो अगर बात करें ये अपडेट के फाइल साइज के बारे में, तो ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 400 to 600 MB के अंदर में ही आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि यार अपडेट में नॉर्मल सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा वो तो ऑटोमेटिक है कि आप लोग को फाइल साइज ज़्यादा लंबा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि यार Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.12 वर्जन का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो यार आप पहले कुछ चीज़ों को समझो, Realme C3 डिवाइस में जो Realme UI 2.0 के C.11 वर्जन का जो अपडेट देखने के लिए मिला था, वो गाइस आप लोग को मई 2022 में देखने के लिए मिल गया था। तो यार आप लोग को मालूम होगा कि Realme C3 डिवाइस में जो सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है वो बाई मंथली अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो मई में तो अपडेट देखने के लिए मिल गया C.11 वर्जन का, तो आप लोग को जून में अपडेट देखने के लिए नहीं मिलना था, आप लोग को जुलाई में अपडेट देखने के लिए मिलना था। यार जुलाई में भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला। तो यार हो सकता है कि आप लोग को ना अगस्त महीना में अपडेट देखने के लिए मिल सकता है C.12 वर्जन का। अगर बात करें कि अगस्त महीना में कब तक देखने के लिए मिलेगा एक एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, तो यार हो सकता है कि आप लोग को ना मिड अगस्त तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। वैसे गाइस अगर Realme C3 डिवाइस में Realme UI 2.0 के C.12 वर्जन का अपडेट देखने के लिए मिलता है तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।